एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस के सिंह और आज डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन के सेकेंड पार्ट से। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। और आप अगर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको नीट में जरूर सफलता दिलाएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। सो मॉडर्न थ्योरी पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि लाइफ जो है लाइफ से ही आ सकता है, बट वो थ्योरी बता नहीं पा रही है कि लाइफ पहला लाइफ आया कहाँ से। और जस्ट वो थ्योरी जो है ए बायोजेनेसिस वाली थ्योरी को डिस्कार्ड कर रही है, बट जो है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा। सो मॉडर्न थ्योरी एंड ओपरिन एंड हेल्डन थ्योरी बताती है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लाइफ ओरिजिनेटेड इन अ फॉलोइंग स्टेज। देखिए, इसमें बहुत सारे स्टेजेस में लाइफ होती है। लाइफ जो है ऐसा नहीं कि अपने आप आ गया, ऐसा नहीं है कि किसी मड से आ गया, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे प्लेनेट से आ गया। इसके अंदर जो लाइफ है अलग अलग स्टेजेस में होती है। लाइफ जो है अलग अलग स्टेजेस में अवेलेबल है। द फर्स्ट स्टेजेस इज कॉल्ड एटॉमिक स्टेज। द पहला जो स्टेज है लाइफ का, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक स्टेज। फिर सेकेंड स्टेज है, दैट इज मॉलिकुलर और सिंपल इनऑर्गेनिक स्टेज। मॉलिकुलर और सिंपल इनऑर्गेनिक स्टेज। तो पहले एटॉमिक स्टेज था, फिर धीरे धीरे कंबाइन होने लगा एंड दे कन्वर्टेड इनटू द मॉलिकुलर और सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेज। फिर सेकेंड जो स्टार्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेज। तो पहला हमारा एटॉमिक स्टेज था, फिर धीरे धीरे एटॉमिक स्टेज कंबाइंड होते, जैसे मान लीजिए कि कोई एटम है, एटम धीरे धीरे कंबाइंड होकर कोई मॉलिकुलर मॉलिक्यूल्स बना रही है, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। एंड दिस सिंपल अनऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू द सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड दिस सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स से पूरा कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे हमारा प्रोटोसेल और प्रोटोबायोंट आ गया। तो ओपरिन एंड हेल्डन बताते हैं कि लाइफ जो है बहुत सारे सीरीज से होके गुजरता है। और जब एटॉमिक स्टेज, फिर मॉलिकुलर इनऑर्गेनिक स्टेज, ऑर्गेनिक स्टेज, कॉम्प्लेक्स स्टेज, फिर प्रोटोसेल्स, प्रोटोबायोंट और फिर अर्थ के ऊपर एक छोटा सा सेल आया। तो इस सारे कंडीशन से होके लाइफ गुजरता है। तो जब ओपरिन एंड हेल्डन ऐसी बात बताया तो लोगों का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यार एटम तो हम जानते ही नहीं है, और ये सब चीज़ क्या है, ये कैसे है, ठीक है। तो ओपरिन एंड हेल्डन ने बताया कि देखो ऐसा ही हुआ होगा। फिर मिलर एंड यूरे ने प्रूफ कर दिया कि वाकई ऐसे ही लाइफ का ओरिजिन हुआ है। लाइफ जो आया है ऐसे ही आया है और कोई दूसरे मीडियम से आ नहीं सकता है। तो मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे अभी, और उससे हम पता लगाएंगे कि वाकई ये सारा जो थ्योरी है वो वाकई सही है नहीं है। बट उसके पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है? फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड इस अर्थ के ऊपर कौन है? फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है और फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है? आप प्लीज मुझे बताएं, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है और फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है? तो फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, दैट इज अ वाटर। फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ वाटर। फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ वाटर। एंड फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज CH4, दैट इज अ मिथेन। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, और क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम में। तो चलिए आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स, फिर उसके बाद यूकैरियोट्स बनने स्टार्ट हो गए। यानी पहले प्रोटोबायोंट्स एक पहले सेल थे, और उसके बाद जो है धीरे धीरे प्रोकैरियोट्स उनसे बना, फिर प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट में बदल गए। तो इन सब चीज़ों को होने के लिए काफ़ी साल लगे और काफ़ी मेहनत लगा, और फिर जाके ये सारा चीज़ हो पाया। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ अर्ली अर्थ थ्रू द फिजियो केमिकल प्रोसेस ऑफ द एटम विच इज कम्बाइंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स, एंड दिस मॉलिक्यूल्स इज टर्न रिएक्टिव टू प्रोड्यूस अ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड फाइनली दे फॉर्म ऑल द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये बताती है थ्योरी कि इस अर्थ के ऊपर, जो हमारा प्रिमिटिव अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर सबसे पहले अलग अलग केमिकल्स आने स्टार्ट हुए, और इट इज समवेयर इट इज कॉल्ड फिजियो केमिकल प्रोसेस। ये फिजियो केमिकल प्रोसेस था
और ये फिजिकोकेमिकल प्रोसेस धीरे धीरे सारे एटम कंबाइन होने लगे, सारे मॉलिक्यूल्स बनने लगे, इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स बनने लगा, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स बनने लगा, और धीरे धीरे बहुत बड़े 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 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ। यहाँ से थोड़ा सा हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे सीक्वेंस जो है चलता है और कैसे कैसे सीक्वेंस से लाइफ का ओरिजिन हुआ है। तो उस समय सन का फॉर्मेशन हो गया था। द नेबुलर थ्योरी एक्सप्लेन कि कैसे सन का फॉर्मेशन हुआ। नेबुलर थ्योरी से हमें पता चल गया था, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि नेबुलर थ्योरी जो है गैसियस क्लाउड था और गैसियस क्लाउड धीरे धीरे कंडेंस हुआ, जो जो सेंटर में कंडेंस हुआ वो सन था और उसके पेरीफेरी पे सारे गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हो चुका था। उस समय ओजोन नहीं था, देयर वॉज नो ओजोन एट दैट प्रिमिटिव एरिया, प्रिमिटिव टाइम, राइट। यूवी रेडिएशन था, अब ओजोन नहीं है, तो ऑब्वियस है यूवी रेडिएशन इज डायरेक्टली दैट्स स्प्रेड ऑन द अर्थ, तो यूवी रेडिएशन बहुत ही ईजी से अर्थ के ऊपर आ सकता था। टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्स 8000 डिग्री सेंटीग्रेड, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर था उस समय। तो ये थ्योरी बताती है कि द हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो फ्री ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है, एंड नाइट्रोजन, ये सारे के सारे जो है एटॉमिक स्टेज में थे। दे आर ऑल आर प्रेजेंट इन अ एटॉमिक स्टेज, ये सारे एटॉमिक स्टेज में थे। फिर धीरे 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 इनमें चेंजेस आना स्टार्ट हुआ एंड दे स्टार्ट कंबाइन टू ईच अदर एंड दे फॉर्म अ H2 NH3 H2O, है ना, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक स्टेज। तो एटॉमिक स्टेज इज कन्वर्टेड इनटू द इनऑर्गेनिक स्टेज बाय द कंबाइनिंग ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स। सो नो फ्री ऑक्सीजन गैसेस आर अवेलेबल एट दैट टाइम प्रिमिटिव एरिया एंड द वाटर इज कंसिडर द फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो पहला वाटर है दे आर कंसिडर द फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर धीरे धीरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंबाइन होने लगे एंड दे फॉर्म अ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज CH4, दैट इज मिथेन। तो पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है CH4 है, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर बारिश हुई, ठीक है, ये सारे कंबाइन हो गए। यहाँ पे पहाड़ थे, पहाड़ इज अ जो रॉक्स हैं, रॉक्स इज अ रिजर्वायर ऑफ क्लोराइड एंड फॉस्फेट्स। रॉक्स के अंदर बहुत सारे क्लोराइड एंड फॉस्फेट थे। बहुत दिन तक बारिश होती रही, करीब 45 से 60 दिन तक बारिश होती रही, 45 to 16 days तक बारिश होती रही, और काफ़ी एरिया में, जैसे कोई राज्य है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इतना बड़े राज्य में पूरा का पूरा बारिश होते रहा और बहुत बड़े एरिया में ये सारा चीज़ होता रहा। और ये सारे केमिकल्स थे, ये भी बन चुके थे, अमीनो एसिड बन चुका था, फैटी एसिड बन चुका था, ग्लिसरॉल था, प्यूरिन था। अमीनो एसिड से प्रोटीन आता है, आप सबको पता है, फैटी एसिड, फैट, ग्लिसरॉल, कार्बोहाइड्रेट, प्यूरीन, न्यूक्लिक एसिड, ये धीरे 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 उस बारिश में कंबाइन होने लगे। उधर से क्लोराइड एंड फॉस्फोरेट आ गया रॉक से और कंबाइन होते गए, बारिश होती गई और पूरा एक जो है बड़े एरिया में प्रोटोबायोंट बन गया। द प्रोटोबायोंट दैट इज अ प्रिमिटिव सेल। तो ये प्रोटोबायोंट पूरे एक बड़े से एरिया में प्रोटोबायोंट बन गया एंड दिस प्रोटोबायोंट इज लिविंग बिकॉज दे कंटेन द न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, राइट। और धीरे धीरे इनमें बदलाव आना स्टार्ट हुआ, काफ़ी साल लगे, धीरे धीरे इनमें बदलाव आया। दिस प्रोटोबायोंट इज कन्वर्टेड टू द प्रोकैरियोट एंड आफ्टर सम टाइम दिस प्रोकैरियोट इज कन्वर्टेड टू द यूकैरियोट, दिस प्रोकैरियोट इज कन्वर्टेड टू द यूकैरियोट। और धीरे 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 इनमें बदलाव आना स्टार्ट हुआ और इससे बहुत सारी चीज़ें होती रहीं। तो दिस इज अर्ली कंसेप्ट कि लाइफ जो है आया कैसे है, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है। चलिए दूसरा चीज देखते हैं, दिस इज कॉल्ड अ केमिकल इवोल्यूशन, इसे हम केमिकल इवोल्यूशन कहते हैं, विच कैन नॉट अकर अंडर द प्रेजेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन अपॉन द अर्थ। एक मतलब कि जो भी प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल इवोल्यूशन। और इसका प्रमाण ये है कि हमारे बॉडी में ये सारे केमिकल्स हैं जो अभी हमने केमिकल्स पढ़ा है, ठीक है, तो सारे ही हमारे बॉडी में केमिकल्स प्रेजेंट है। तो ये हमें बताती है कि वाकई हम लोग केमिकल इवोल्यूशन से आए हैं, विच कैनॉट अगर इन प्रेजेंट एटमोस एनवायरमेंटल कंडीशन अपॉन द अर्थ, क्योंकि हमारा अभी का प्रेजेंट एटमोसफेरिक कंडीशन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग है बिकॉज द फ्री ऑक्सीजन इज देयर। उस समय फ्री ऑक्सीजन नहीं था तो इसलिए ऐसा पॉसिबल था शायद, और अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कंडीशन सुटेबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ एग्जिस्ट
ओनली अपॉन द प्रिमिटिव अर्थ। ये बताती है थ्योरी कि अगर कोई भी लाइफ को ओरिजिन लेना है, अगर किसी में कुछ चेंजेस, बड़ा चेंजेस आना है, तो प्रिमिटिव अर्थ में ऐसे सुटेबल कंडीशंस अवेलेबल थे, बट अभी के सिनेरियो में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अभी जो है हमारा नेचर जो है ऑक्सीडाइजिंग है। अगर आप रॉड जो है अपने छत पे रख देते हैं या बाहर रख देते हैं, तो रॉड में रस्टिंग होना शुरू हो जाता है, जंग लगना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि बारिश होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, रस्टिंग हो जाएगा, बिकॉज द एटमोसफियर इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। बट प्रिमिटिव जो कंडीशन था, प्रिमिटिव अर्थ था, ऐसा नहीं था। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, दैट इज द GBS हेल्डन, H फॉर द हेल्डन, ऐसे याद कर लीजिए। और इन्होंने एक टर्म दिया था, हॉट डाइल्यूट सूप। और क्या हुआ कि अभी हमने देखा था कि बारिश हुई और बहुत एक जगह पे पूरा चीज इकट्ठा हुआ, तो गरम गरम चीजें में इकट्ठा हुआ, तो उन्होंने उसे बोल दिया हॉट डाइल्यूट सूप, एंड दिस इज कॉल्ड अ प्रीबायोटिक सूप। इसे जो है प्रीबायोटिक सूप भी कहते हैं। तो द ओशियंस वाटर रिच इन द मिक्सचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड वॉज टर्म एज GBS हेल्डन, एंड दिस इज कॉल्ड हॉट डाइल्यूट सूप और प्रीबायोटिक सूप, क्योंकि हेल्डन ने सबसे पहले उसे अब्जॉर्ब किया था, देखा था, समझा था, और उसका नाम जो है प्रीबायोटिक सूप रख दिया था। सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक्युमुलेट इनसाइड द वाटर, द ऑर्गेनिक जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक्युमुलेट इनसाइड द वाटर बिकॉज द डिग्रेडेशन वॉज एक्सट्रीमली स्लो इन द एब्सेंस ऑफ एनी लाइफ और एंजाइम कैटलिस्ट। देखिए, इस लाइन का मतलब ये है कि सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है एक्युमुलेट हो गए वाटर के अंडर, एंड दे डिग्रेड स्लोली, मतलब धीरे 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 डिग्रेड होने स्टार्ट हुए, एंड वॉज एक्सट्रीमली स्लो, धीरे धीरे उनका जो डिग्रेशन है धीरे धीरे था, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी लाइफ और एंजाइम कैटलिस्ट। सो दिस इज अ पॉइंट। सो हाइड्रोजन एटम वर मोस्ट न्यूमरस, हाइड्रोजन एटम जो है बहुत ज़्यादा न्यूमरस थे, एंड मोस्ट रिएक्टिव इन प्रिमिटिव एटमोसफियर। तो हाइड्रोजन एटम जो है काफ़ी ज़्यादा उस समय थे, एंड मोस्ट रिएक्टिव थे। द फर्स्ट हाइड्रोजन एटम कम्बाइंड विद ऑल द ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म अ वाटर एंड लिविंग अ नो फ्री ऑक्सीजन। सारे के सारे हाइड्रोजन एटम जो हैं कम्बाइंड होने लगे विथ ऑल द ऑक्सीजन एटम टू द फॉर्म ऑफ वाटर, मतलब कि सारे हाइड्रोजन एटम जो है ऑक्सीजन से कम्बाइंड होने लगे, और दे फॉर्म अ वाटर एंड लिविंग अ नो फ्री ऑक्सीजन, इसलिए जो है फ्री ऑक्सीजन नहीं था। तो प्रिमिटिव एटमोसफेयर में देयर इज अ नो फ्री ऑक्सीजन। वाई द नो फ्री ऑक्सीजन इज देयर? बिकॉज दिस हाइड्रोजन एटम इज कम्बाइंड विद द ऑक्सीजन, तो पानी बनना ज़्यादा जरूरी था। हाइड्रोजन एटम वर मोस्ट न्यूमरस और काफ़ी ज़्यादा थे, काफ़ी रिएक्टिव थे पुराने एटमॉस्फेयर में, तो इसलिए बोला जाता है कि जल ही जीवन है, बिकॉज अगर वाटर नहीं रहेगा तो हम लोग परिकल्पना नहीं कर सकते हैं कि वाकई लाइफ एग्जिस्ट है। हाइड्रोजन एटम ऑल्सो कम्बाइंड विद द नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, क्योंकि हाइड्रोजन एटम बहुत ज़्यादा थे उस समय, तो हाइड्रोजन एटम जो है नाइट्रोजन के साथ कम्बाइंड होने लगे, एंड दे फॉर्म अमोनिया। सो द वाटर एंड अमोनिया वर प्रोबेबली द फर्स्ट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स ऑन द प्रिमिटिव अर्थ। तो ऐसा समझा जाता है कि पानी और अमोनिया जो थे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड थे इस पूरे अर्थ के ऊपर, प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर फर्स्ट कंपाउंड थे। ऑर्गेनिक मतलब नहीं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मतलब फर्स्ट कंपाउंड थे। क्वेश्चन आया है नीट में, द करेक्ट सिक्वेंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द प्रिमिटिव अर्थ, इसे ध्यान से समझिए और इसका आंसर बताएं। द आंसर विल बी डी, NH3, वाटर, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। दिस इज अ करेक्ट सीक्वेंस फॉर द ओरिजिन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो अपने नोट डाउन करें कि NH3 सबसे पहले आया, फिर वाटर बना, फिर न्यूक्लिक एसिड, फिर प्रोटीन। दिस इज अ करेक्ट सीक्वेंस, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। Now we are discussing about the experimental evidence of abiogenic molecules evolution of the life, that is called Miller or Urey experiment. तो Miller और Urey experiment basically जो है ओपरिन और हेडलैंड के hypothesis को explain करती है कि आखिर ये चीज़ें हुई कैसे, आखिर ये चीज़ें हुआ कैसे, मतलब कैसे इसका evolution हुआ, कैसे ये सब चीज़ हो पाया। तो Urey जो थे टीचर थे, उन्होंने मिलर से कहा, क्योंकि मिलर उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने ये कहा कि ऐसा कुछ अपैरेटस तैयार करो, ऐसा कुछ मेथड
तैयार करो जिससे मैं पूरे एक लैब में जो ओपरिन और हेल्डन का हाइपोथेसिस है, वो बताते हैं कि पहले एटम था, फिर मॉलिक्यूल्स आया, धीरे धीरे ये सारा चीज़ आया, वो मैं कर सकूँ, देख सकूँ कि वाकई वो सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। तो यूरे ने मिलर से कहा कि ऐसा कुछ अपैरेटस तैयार करो कि मैं उनके एक्सपेरिमेंट को लैब में कर सकूँ और देख सकूँ कि वाकई ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा करना पॉसिबल है क्या। तो जो है मिलर ने एक अपैरेटस तैयार किया एंड दिस नेम ऑफ अपैरेटस इज कॉल्ड स्पार्क डिस्चार्ज अपैरेटस। सो नेम ऑफ दिस अपैरेटस इज कॉल्ड स्पार्क डिस्चार्ज अपैरेटस। तो मिलर डिजाइन दिस स्पार्क डिस्चार्ज अपैरेटस। फिर मिलर ने क्या किया, दिस सर्कुलेट अ फोर गैसेस, क्योंकि प्रिमिटिव स्टेज में ये चार गैसेस काफ़ी ज़्यादा कॉमन थी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर, है ना, मीथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, वाटर वेपर था, तो ये सारे चीज़ प्रिमिटिव कंडीशन में थे। तो ये चारों गैस को अपने अपैरेटस में सर्कुलेट किया। यहाँ पे देख पा रहे हैं दिस इज़ अ मेन एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक ये वाला अपैरेटस लिया, दिस इज कॉल्ड स्पार्क डिस्चार्ज अपैरेटस, और उन उस मतलब उसमें स्पार्क डिस्चार्ज अपैरेटस में चार पांच टाइप की गैसेस रखा, CH4, NH3, वाटर और S2। यही गैस जो है प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में, वो साइंटिस्ट बता रहे थे कि यही गैस ज़्यादातर है, ठीक है। तो क्या करते थे वो कि इस स्पार्क डिस्चार्ज अपैरेटस में दो इन्होंने इलेक्ट्रोड रखा, दो इलेक्ट्रोड रखा और दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में चिपका देते थे। तो जब भी आपस में दो इलेक्ट्रोड चिपकते थे तो उससे क्या होता था, स्पार्किंग होती थी और स्पार्किंग से हीट एनर्जी लिबरेट होती थी और दिस हीट एनर्जी इज कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स, दैट इज ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल्स। तो कार्बन और हाइड्रोजन जैसे CH4 है तो इनके बीच में जो भी बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा, NH3 टूटेगा, H2O टूटेगा, तो मतलब ऐसा करते थे। और साथ के साथ क्योंकि ये ग्लास स्लाइड था तो साथ के साथ उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे एक कंडेंसर उन्होंने लगाया था और इस कंडेंसर से क्या होता था कि हॉट वाटर, क्योंकि बार रोज आते थे और रोज इलेक्ट्रोड को चिपका देते थे तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे बहुत गर्म पानी हो जाएगा और गर्म पानी की वजह से पूरा का पूरा अपैरेटस टूट भी सकता है। तो इसको बचाने के लिए कंडेंसर उन्होंने लगा दिया एंड दिस कंडेंसर की वजह से हॉट वाटर जो है हॉट वाटर इस अपैरेटस से बाहर जाता था एंड कोल्ड वाटर जो ठंडा पानी है उसके अंदर डालते थे। तो हॉट वाटर इससे बाहर चला जाता था, एरो देखिए ऐसे है, और कोल्ड वाटर को हम अंदर डालते थे ताकि इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे और ये अपैरेटस कुछ समय तक, एक महीने तक रहे। तो ये करीब 8 से 10 दिन तक ये सारा सिलसिला चलता रहा कि वो आते थे और दोनों इलेक्ट्रोड को चिपका देते थे सुबह शाम और ये सारा चीज़ होते रहा। तो उन्होंने देखा कि जो लोअर टेस्ट ट्यूब है, लोअर बॉटम वाला एरिया है, वहाँ पे एक रेड डार्क फ्लूड इकट्ठा हो रहा है। उन्होंने देखा 2-4 दिन बाद कि एक रेड डार्क फ्लूड इस लोअर बॉटम में इकट्ठा होने लगा। तो फिर ऑब्जर्व करते रहे 15 दिन बाद सारे अपैरेटस को तोड़ दिया और इस रेड डार्क फ्लूड को एग्जामिन किया और वही चीज़ था जो मतलब कि एग्जैक्टली जो है ओपरिन एंड हेल्डन ने बताया था। तो अभी देख लेते हैं कि कैसे कैसे था, पहले हम इसका एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर एक बार देख लेते हैं। सो ही पास अ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द इलेक्ट्रोड एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ही पासेज द मिक्सचर थ्रू द कंडेंसर भी लगा दिया गया था ताकि इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे और कुछ प्रॉब्लम ना हो। ही सर्कुलेट द गैसेज कंटिन्यूसली इन द वे फॉर 1 week अप्रॉक्स एंड देन एनालाइज अ केमिकल डिपोजिट लिक्विड इन साइड द अपैरेटस, दैट इज द लोअर बॉटम पे केमिकल इकट्ठा हुआ एंड ही फाउंड द लार्ज नंबर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। उस रेड डार्क फ्लूड में सबसे ज़्यादा जो था क्या था, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इंक्लूडिंग सम अमीनो एसिड्स लाइक एलिलीन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ये सारा चीज़ उसके अंदर था। तो एलिलीन था, ग्लाइसिन था, एस्पार्टिक एसिड था, जो कि एक केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, और यही सारा चीज़ ओपरिन एंड हेल्डन ने भी बताया था कि ये सारा चीज़ कंबाइंड होके कोई लाइफ बन सकता है। तो लेटर ऑन मैनी इन्वेस्टिगेटर्स, जो भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, हैव सिंथेसाइज अ ग्रेट
वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग द प्यूरीन, पैरामिडीन, सिंपल शुगर. तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट होता रहा और देखा गया कि बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स को ऐसे हम सिंथेसाइज कर सकते थे, जो ओपरेन एंड हेल्डेन ने पहले ही मॉलिक्यूल्स के बारे में बता दिया था. ही कंसिडर दैट द एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉकर सच एज अ न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड एक्सेट्रा ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड डज हैव फॉर्म्ड ऑन द प्रिमिटिव अर्थ. तो ये बताते हैं कि ऐसा प्रिमिटिव एटमोसफेयर पे बिल्कुल ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं बिल्कुल बने होंगे और तभी ही ऐसा पॉसिबल है. शुरुआत करते हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड वॉज नॉट फाउंड टू बी सिंथेसाइज इन अ मिलर एक्सपेरिमेंट. इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है जो कि मिलर एक्सपेरिमेंट में नहीं था. विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स वॉज नॉट फाउंड टू बी सिंथेसाइज इन द मिलर एक्सपेरिमेंट. तो येस द आंसर विल बी ग्लूटामिक एसिड. तो ग्लूटामिक एसिड जो है नहीं था, बाकी एलिनिन था, हमने पढ़ा था, ग्लाइसिन था, एस्पार्टिक एसिड था. मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ, आपको यहाँ पे देखिए मैंने एरो भी लगाया था कि एलिनिन है, ग्लाइसिन है, एस्पार्टिक एसिड है. ठीक है, तो एलिनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, बट ग्लूटामिक एसिड नहीं था. इसलिए हर स्लाइड को, हर एक लाइन को बहुत ही बारीकी से समझिएगा और जो है बारीकी से जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा. और इसी लाइन से, इसी वर्ड से क्वेश्चन आएगा. आप देख रहे हैं आपके पास रियल प्रमाण है कि नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वही लाइन लिखा है. विच वॉज एबसेंट इन द एटमोसफेयर एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ. जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हो रहा था तो इनमें से कौन सा एबसेंट था. तो येस नो डाउट द ऑक्सीजन वॉज एबसेंट. नो फ्री ऑक्सीजन वॉर्ड एट दैट टाइम. ऑक्सीजन उस समय बिल्कुल नहीं था, तो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था वहां पे. तो नेक्स्ट जो है कंडीशंस फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ. क्या कंडीशन है अगर कोई भी ओरिजिन समझना है आपको, तो क्या क्या इसका ओरिजिन हो सकता है, कैसे कैसे क्या प्रोसीजर हो सकता है. सो देयर आर द थ्री कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ. तीन कंडीशंस हो सकते हैं जिससे आप ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में समझ सकते हैं. The first condition, there must have been supply of replicator. हमेशा जो है एक replicator की supply होनी चाहिए. There is supply of replicator, that is self-producing molecules होना चाहिए. Copy of this replicator must has been subjected to the error through the mutations. Copy of this replicator must have, मतलब कि उनमें एक slow grade में changes होना चाहिए. Slow grade में ये सारे changes होने चाहिए ताकि कुछ वेरिएशंस आए, कुछ नया चीज आए. द सिस्टम ऑफ रेप्लिकेटर मस्ट हैव रिक्वायर्ड अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फ्री एनर्जी, पार्शियली आइसोलेशन फ्रॉम द जनरल एनवायरनमेंट. मतलब कि इस रेप्लिकेटर जो है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो डिफरेंट जो है काम कर सके. तो इसमें दो चीजें हैं, दैट इज प्रोटोबायोंट्स. पहला हमारा आता है प्रोटोबायोंट्स. प्रोटोबायोंट्स के अंदर दो चीजें हैं, वन इज कॉल्ड कोसर्वेट्स एंड अदर इज कॉल्ड माइक्रोस्फीयर. इन दोनों के बारे में समझते हैं कि क्या होते हैं कोसर्वेट्स और क्या होते हैं माइक्रोस्फीयर. एक बार इससे क्वेश्चन आया था नीट में. तो कोसर्वेट्स जो होते हैं, द टर्म इज गिवन बाय, कोसर्वेट्स आर गिवन बाय ओपरिन. तो ओपरिन ने सबसे पहले कोसर्वेट्स का टर्म दिया था, अब लोगों को बताया था कि कुछ कोसर्वेट्स भी होता है. तो कोसर्वेट्स कुछ खास नहीं होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ लार्ज प्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड विद द शेकन एंड को सर्विट्स आर फॉर्म. जैसे मान लीजिए कि एक बॉटल आपने लिया, उस बॉटल में बहुत सारा प्रोटीन भर दिया और कुछ पॉलीसेक्राइड भर दिया और हिला दिया, उसे शेक कर दिया. सो दैट्स अपीयर ऑफ को सर्विट्स, उससे को सर्विट्स बन गए. ठीक है, को सर्विट्स दे कंटेन मेनली प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड एंड वॉटर, तभी तो एक पूरा एक शेक जैसा बन जाएगा. सबसे बड़ी बात होती है कि को सर्विट्स दे डू नॉट हैव एनी लिपिड आउटर मेम्ब्रेन. इसके ऊपर कोई भी लिपिड का आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है. कोसर्विट से कोई नया कोसर्विट नहीं आ सकता है, तो दे कैनॉट रिप्रोड्यूस. सो दिस इज ऑल अबाउट द कोसर्विट. द थिंग नीड टू रिमेंबर इज दिस वन, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड एंड वॉटर से बना होता है, लिपिड आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता है और ये कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं. फिर हम माइक्रोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं. When a mixture of artificially produced
ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मिक्स एंड कूल वाटर माइक्रोस्फीयर आर फॉर्म। तो मतलब कि मिक्सचर ऑफ आर्टिफिशियली, कोई हम अगर आर्टिफिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए उसमें हम ठंडा पानी डाल के डाल दें तो एक माइक्रोस्फीयर जैसा बन जाएगा। बट इसमें इसके अंदर लिपिड बायलेयर्स होते हैं, लिपिड बायलेयर होते हैं, तो माइट बी दिस माइक्रोस्फीयर कैन बी रिप्रोड्यूस और इससे जो है नया माइक्रोस्फीयर्स आ सकता है, नया माइक्रोस्फीयर। तो एक क्विक रिकैप देख लेते हैं, पूरा जो भी हमने पढ़ा है उसको एक जल्दी जल्दी थोड़ा कर लेते हैं। सो मॉडर्न थ्योरी और ओपरेन हेल्डन एंड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लाइफ ओरिजिनेटेड इन द फॉलोइंग स्टेज, दैट इज एटॉमिक स्टेज एंड मॉलिकुलर और सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेज, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेज, फिर कॉम्प्लेक्स आया, फिर प्रोटोबायोंट्स आए एंड धीरे धीरे इससे अलग अलग लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, प्रोकैरियोट्स आने लगे, यूकैरियोट्स आने लगे। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ थ्रू द फिजियोकेमिकल प्रोसेस ऑफ द एटम कंबाइनिंग टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स एंड दिस मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दे प्रोड्यूस ऑल द टाइप ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। सो एट दैट टाइम सन इज फॉर्म, सन का फॉर्मेशन हो चुका था, यूवी रेडिएशन था एंड ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं था, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्री स्टेज में थे, अर्थ का टेम्परेचर अप्रॉक्स 8000 डिग्री सेंटीग्रेड था, नो फ्री गैस इज अवेलेबल एंड धीरे धीरे जो है वाटर हाइड्रोजन NH3 वाटर धीरे धीरे कंबाइन होने लगे, वाटर इज कंसिडर द फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, CH4 पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, फिर बारिश हुई, बहुत सारे केमिकल्स बनने लगे, अमीनो एसिड फैटी एसिड ग्लिसरॉल प्यूरीन प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक एसिड से प्रोटोबायोंट्स प्रोकैरियोट यूकैरियोट धीरे धीरे आए। सो दिस इज अ केमिकल इवोल्यूशन और ये एक बड़े जगह एरिया में इकट्ठा हुआ और JBS हेल्डन ने बताया इसे हॉट डायलूट सूप है। सो दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक्युमुलेट इन वाटर और इसका स्लो बिल्कुल धीरे धीरे डिग्रेड हो रहे थे एंड द फर्स्ट हाइड्रोजन एटम कंबाइंड टू द ऑक्सीजन एंड उस समय ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन नहीं था, हाइड्रोजन एटम ऑल्सो कंबाइंड विद द नाइट्रोजन द फॉर्म अमोनिया NH3 एंड H2O अमोनिया वर प्रोबेबली द फर्स्ट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स ऑन द प्रिमिटिव अर्थ। ये एक MCQ था जो कि नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के बारे में अगर हम देखें तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ ए बायोजेनेटिक एंड मिलर एंड यूरे थ्योरी, तो यूरे ने मिलर से कहा कि एक ऐसा अपैरेटस तैयार करें जिससे हम लोग उस सारे एक्सपेरिमेंट को कर सकें, ओपरेन एंड हेल्डन के हाइपोथेसिस को कर सकें। तो मिलर ने स्पार्क डिस्चार्ज अपैरेटस बनाया और उस अपैरेटस में मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन वाटर वेपर ये सारे चीज़ गैसेस डाले। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दिस इज़ अ स्पार्क डिस्चार्ज अपैरेटस, CH4 NH3 H2O ये सारे गैस डाले, करीब एक वीक तक चलता रहा ये, 7 से 10 दिन तक चलता रहा एक्सपेरिमेंट और इस इलेक्ट्रोड को आपस में चिपका देते थे जिससे हीट प्रोड्यूस होता था और ये सारे बॉन्ड टूट जाते थे, गर्म होने के कारण ये हॉट वाटर यहाँ से कंडेंसर से निकलता था, कोल्ड वाटर को यहाँ पे डालते थे और कुछ दिनों बाद देखा गया कि ये रेड डार्क फ्लूड इकट्ठा हुआ और वही सब्सटेंस यूज़ किया गया जो ओपरेन एंड हेल्डन ने लिया था। तो रेड डार्क फ्लूड में बहुत सारे अमीनो एसिड एलिनिन ग्लाइसिन एस्पार्टिक एसिड बहुत सारे सिंपल शुगर बनने लगे और यही सारे चीज़ जो थे ओपरेन एंड हेल्डन ने लोगों को बताया था। कुछ इससे रिलेटेड MCQ था, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉट फाउंड इन अ मिलर एक्सपेरिमेंट, इट इज़ अ ग्लूटामिक एसिड और कौन एबसेंट था, ऑक्सीजन एबसेंट द प्रिमिटिव एटमोसफेयर में। कंडीशन की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ रेप्लिकेटर होना चाहिए, कॉपी ऑफ दिस रेप्लिकेटर मस्ट हैव बीन सब्जेक्टेड टू द एरर थ्रू द म्यूटेशन, उसमें म्यूटेशन होना चाहिए, सिस्टम ऑफ द रेप्लिकेटर मस्ट रिक्वायर्ड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस थे। फिर प्रोटोबायोंट, जो पहला पहला सेल था दैट इज अ प्रोटोबायोंट, इससे को सर्विट और माइक्रोस्फीयर, को सर्विट्स में क्या होता है कि अगर हम प्रोटीन को पॉलीसेक्राइड्स और वाटर से मिक्स कर दें तो को सर्विट्स बनता है, दे कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेक्राइड प्रोटीन एंड वाटर और लिपिड आउटर मेम्ब्रेन इसमें नहीं होता है तो ये कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, जबकि माइक्रोस्फीयर जो है आर्टिफिशियली प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस लिपिड बायलेयर है तो ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। सो थैंक यू सो मच और हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही रिलीज करेंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और जो है इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।